जिस तरीके से सीए और एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है, ये विरोध प्रदर्शन इतना उग्र हो जाता है कि लोगों की जान चली जाती है। इसी को काबू में करने के लिए आपको बता दें कि अब पुलिस ज़्यादा एक्टिव होती हुई नज़र आ रही है, वो हर एक जगह पर ध्यान रखती हुई नज़र आ रही। जिस तरीके से बीते जुम्मे को हिंसा देखी गई थी, कई लोगों की जान गई थी यूपी में, उसको देखते हुए पुलिस काफ़ी सतर्क हो गई है। अब आपको बता दें कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कासगंज जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो चुकी है और चप्पे चप्पर पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। डीएम एसपी ने मुस्लिम बहुल क्षेत्र में एक फ्लैग मार्च भी निकाला। मुस्लिम समुदाय के लोगों को नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में समझाते हुए नजर आ रहे हैं वो। आपको बता दें बहराइच में डीएम एसपी जिले के सभी मस्जिद में अदा हुई जुम्मे की नमाज के बाद वहां पर भारी पुलिस तैनात की गई और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहाँ पर पुलिस तैनात की गई है, आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि सीए के विरोध में हिंसक प्रदर्शन के बाद पहला जुम्मा देखा जा रहा है। इसको लेकर एडीजी अविनाश चंद्रा, एसपी अजय पाल शर्मा ने भारी पुलिस बल के साथ गश्त करके नमाज को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए धर्मगुरु से बातचीत भी की। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि वो क्या हिदायत देते हुए नज़र आ रहे हैं मुस्लिमों को और बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके से शांति बनाए रखें और शांति व्यवस्था को बनाए रखें। सुनिए इस वीडियो में क्या कुछ कहते हुए वो नज़र आ रहे हैं और व्यवस्थाएं की गई सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। सेक्टर और जोन में बात करके लगातार पैदल गश्त वगैरह हो रही है, पेट्रोलिंग हो रही है और साथ ही साथ सारे धार्मिक गुरुओं से, सारी पब्लिक से विभिन्न स्तर पे पीस कमेटी की मीटिंग हुई है, इंटेलिजेंस गैदरिंग की हुई है जी। और हमारी जो पूर्व की व्यवस्था थी उसको रिव्यू किया गया है और उसमें करेक्टिव एक्शन उठाए गए हैं और इस बार पूरी तरह पीसफुल होने की संभावना है। सबने हमें आश्वस्त भी किया है और सभी नागरिकों से मेरा विनम्र अनुरोध है हर दशा में शांति बनाए रखें, किसी भी दशा में कानून अपने हाथ में डालें। जो भी बात उनको कहनी है आकर के मिल करके यहाँ के अधिकारियों से कहें, हमसे आके बरेली में कहें जी। और पूरी तरह हर प्रकरण में निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी, किसी के खिलाफ गलत कार्रवाई नहीं की जाएगी और इसकी समस्त केसेस की मॉनिटरिंग भी हम अपने क्लोज सुपरविजन में करवाएंगे। अच्छा सर, जिस तरह से गर्भी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है तो क्या एनएसए की कार्रवाई भी की जाएगी इनके खिलाफ? क्या वो सब चीज़ें जो परिस्थितियाँ थी उसका इवेल्युएशन करके जी निर्णय किया जाएगा। जैसा कि आपने ये वीडियो देखा, उसके अलावा आपको बता दें कि हर जगह पुलिस बल तैनात किए गए हैं और खासकर आज के दिन, क्योंकि आज जुम्मा है और जुम्मे को देखते हुए बीते जुम्मे को भी हिंसा देखी गई थी और उसी को रोकने के लिए इस बार हर जगह पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं और लोगों से समझाया जा रहा है, लोगों को पुलिस समझा रही है, उन्हें नागरिकता संशोधन कानून को लेकर समझाती हुई नज़र आ रही। आपको बता दें इसी पर यूपी पुलिस ने एक प्रेस वार्ता करते हुए लोगों से अपील की कि पूरे राज्य में धारा 144 का उल्लंघन ना करें और शांति बनाए रखें और हिंसा ना फैलाएं। और आप इस वीडियो में सुन सकते हैं कि और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। Operations of internet services in 21 districts and they will be restored as and when the situation demands. But we have also appealed to the people that they shouldn't violate the Section 144, which has been promulgated in the entire state. You already constituted for the SIT. Yes, as I said, that special investigation teams have been formed in all those affected districts. They will be headed by SP Crime, an officer of the rank of SP, and he will conduct and he will supervise those investigations based on evidences. And therefore, no innocent persons will be castigated, will be arrested on that. But nobody would be spared if he is involved or if his group is involved. Thank you, sir. Operations of internet services in 21 districts and they will be restored as and when the situation demands. But we have also appealed to the people that they shouldn't violate the Section 144, which has been promulgated in the entire state. You already constituted for the SIT. Yes, as I said, that special investigation teams have been formed in all those affected districts. They will be headed by SP Crime, an officer of the rank of SP, and he will conduct and he will supervise those investigations based on evidences.
And therefore, no innocent persons will be castigated, will be arrested on that. But nobody would be spared. SBN 9 News, Sanazman ki report.